हेलो दोस्तों, डीके ऑल इन वन मैकेनिक चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज एक एलईडी बल्ब लाए हैं और एक नया ट्रिक इसमें आपको बताएंगे हम। ये सिस्का कंपनी का एलईडी बल्ब है। ये जो एलईडी बल्ब है इसमें लगा हुआ, ये ओरिजिनल है इसका, तो इसको ही कैसे हम रिपेयरिंग करेंगे जिससे ये ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रह जाए। तो ये ट्रिक हम अभी आपको बता रहे हैं। ये इसमें क्या करना है, लाइट में लगा करके, ये होल्डर में लगा करके पहले एक बारी बारी से इसको चेक कर लेना है कौन से एलईडी को शॉर्ट करेंगे तो ये जलने लगेगा। तो हमने चेक किया तो ये एलईडी बल्ब शॉर्ट था, फ्यूज था, तो इसको शॉर्ट करके देखे हमने, देखा हमने तो ये जलने लगा। देखिए ये शॉर्ट कर रहे हैं तो ये जलने लगा है। तो इसमें करना क्या है कि दो इतना बड़ा दो तार लेना है, दोनों सिरे पर सोल्डिंग कर देना है। सोल्ड करके उसके बाद आपके पास एक ये पुराना एलईडी बल्ब होगा, एलईडी किट होगा ये। इसमें आपको अब इसमें एक जला है, इसमें क्या करना है, दो एलईडी बल्ब को सीरीज में लेना है, इसमें जोड़ना है ये दोनों तार के सिरे पर। तो हम इसको जोड़ के आपको दिखा रहे हैं। मार्केट में किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा ये ट्रिक, हम आपको बता रहे हैं। देखिए एकदम ओरिजिनल के जैसा हो जाएगा ये दोस्तों। इसमें करना है ये वाला, ये इधर जो है ये वाला, ये दोनों बल्ब को, एलईडी बल्ब को हमने बुलाया सीरीज में जोड़ने के लिए। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा खरोच देना है, यहाँ पर थोड़ा सा खरोच देना है इस ब्लेड की मदद से। यहाँ पर थोड़ा सा खरोच देना है, यहाँ पर थोड़ा सा खरोच देना है, और ये दोनों तार जो सोल्डिंग किए हैं दोनों सिरे पर, तो इसको इसमें, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर इस सिरे पर खरोच देना है, थोड़ा सा इस सिरे पर खरोच देना है, दोनों बल्ब का सीरीज वाला जोड़ना है। मतलब ये सीरीज में रहता है बल्ब, तो एक यहाँ पर तार सोल्डिंग कर देना है, एक यहाँ पर तार सोल्डिंग कर देना है, और ये वाला ये कनेक्शन रहता है यहाँ पर सीरीज में बनाया रहता है इसको। तो यहाँ पर सोल्डिंग थोड़ा सा कर देना है, और तार इस पर यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है, और ये तार यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है, ये वाला यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। तो ये एलईडी बल्ब जलने लगेगा, और इसको इसके माध्यम से ये कटर के सहारे से इसको ऐसे काट देना है। हम इसको काट के दिखाते हैं आपको, देखिए इसको काट दिया, इसको ऐसे कर देना है, इसको भी काट लेना है। हो गया, ये निकल गया। अब ये वाले सिरे पर और ये वाले सिरे पर ये सब दोनों तार को लगा देना है। हम लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पर। देखिए ये एलईडी में हमने जो शॉर्ट करके चेक किया था वहाँ पर, ये दोनों सिरे में यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है मैंने, और देखना है कि बीच में शॉर्ट ना हो, नहीं तो यहीं पर जलने लगेगा, ये वाला बॉल कनेक्शन नहीं होगा। तो दोनों सिरे पर जोड़कर यहाँ पर तार लाया, और यहाँ पर ये इधर बोले थे खरोच करके, इधर खरोच करके दोनों पर सोल्डिंग कर देना है।
देखिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं हम। इसमें कोई उतना बड़ी बात नहीं है इसको बनाने में, लेकिन यही है कि इसको कटर से काटना होगा और ऐसे करके दो वायर लेकर के कट करके यहाँ पर सोल्डिंग करना होगा। और भी बताएंगे हीट सिंक कैसे बैठाना है इसको। तो देखिए पहले इसको जला कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये जल रहा है, ये जल रहा है, एकदम अच्छा से जल रहा है। ये भी दोनों एलईडी जल रहे हैं, दोनों एलईडी ये भी जल रहे हैं और ये भी सारे जल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो पहले इसको बैठा करके हीट सिंक पर बैठा करके दिखा रहे हैं आपको कैसे बैठाना है। फिर देखिए दोस्तों, हमने ये इसमें सेट कर दिया ये एलईडी बल्ब को। देखिए कैसे मैंने सेट किया है, इतना छोटा काट करके। अब तो जितना छोटा चाहे उतना छोटा ये कटर से काट सकते हैं, ये वाले कटर से, या इसको छोटा कैंची से भी काट सकते हैं इसको। और दो इसमें नट लगा रहता है ये किट में, इसी नट में कस देंगे, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आसानी से बना सकते हैं। बाकी सब समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, इसको जला के दिखाते हैं आपको। अच्छे से चल रहे हैं। ओके दोस्तों, एकदम अच्छा से चल रहा है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।